अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दिस मोहम्मद सईद खान। तो गाइस आज एक नए ब्लॉग के साथ हम लोग आ गए हैं काफ़ी दिनों बाद। सुबह के तकरीबन इस वक्त 8 बज रहे हैं और मुझे कॉल आई कि सईद यार आज मैच है। तो मैं आ गया हूँ इस वक्त नहर की तरफ। मैं निकला हुआ था, मुझे अभी खबर मिली है कि आज हमारा मैच है और क्या ही बिल्कुल नहर के पास करके हमारा ग्राउंड है। तो अभी हम मैच खेलने के लिए निकले हैं। मैं अभी मैं ग्राउंड पहुँचा नहीं हूँ, नहर के पास से गुजर रहा था। मैंने कहा इंट्रो वगैरह दे दूँ, तो अभी मैच शुरू करते हैं। मैं जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, टीम में कौन कौन है और किन के साथ मैच है, जाके ग्राउंड में मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों का वेलकम हो गया हमारे नए ब्लॉग के अंदर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम लोग खुद ही ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर से लाइक भी कर देना। सर 8 बजे हमें बुलाया था मैच के लिए कि 8 बजे मैच स्टार्ट होना, और तकरीबन इस वक्त 10:07 हो रहे हैं। 10:07 पर हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है। हम 8 बजे की अगली टीम का इंतज़ार कर रहे हैं। पता चला कि कमिश्री की टीम है अगली, और इतना उन्होंने इंतजार कराया। लेकिन जैसे अभी वो 10:07 पे पहुंचे, हमने उन्हें ये कह दिया कि भाई पहले बैटिंग हम करेंगे क्योंकि तुम लोग बहुत लेट आए हो। अभी बैटिंग के लिए हमारे 2 खिलाड़ी गए हैं, दोनों ही हमजा है और दोनों मौलवी हमजा है। मैं दिखाता हूं तुम लोगों को कौन हमारी तरफ से भी। ओपनर हम गए हैं, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है। टॉस हम लोग जीत गए क्योंकि वो लेट आए हैं, तो इंशाल्लाह मैच जीत के दिखाएंगे यार। अभी मेरी बैटिंग भी तो रहती है ना। एक ये वाला हमजा है, ये ब्लू कपड़ों वाला, और एक ये जिसके ऊपर ये दरियान जो अभी हिल रहा है, जिस शलवार पहनी ऊपर ब्राउन कलर की ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। दोनों हमारी बॉलिंग खिला रही है, हमारे ओपनर हैं, बाकी उनकी टीम आई हुई है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है यार, बिल्कुल है। नीचे करके नहर है और नहर के साइड पर हमारा ग्राउंड है। बाकी मैच अपना है यार, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैच अपना है। जब मैं भाई बैटिंग करने आएगा ना, सारा तबाही फेर देगा। ये जी कभी इस तरह का इंटरनेशनल ग्राउंड देखा है कि अंदर बकरे भी चार रहे हैं और गेम भी हो रही है। ओपनर हमारे चेंज हो गए हैं, बस थोड़ा बॉलर खतरनाक था आई थिंक, इसलिए तो अभी ये बॉलर, ये पहले बॉल तीसरी बॉल है, बल्कि दो पहले बाइडे कराई हैं। यार ये हमारे खिलाड़ी आउट हो गए, कोई बात नहीं, बहुत प्यारी बैटिंग की है इन्होंने। अभी की है हमारी तरफ से अली की है, 1 ओवर 19 रन। ये जी हमारा नया प्लेयर हसनैन अली, द बेस्ट बैट्समैन एवर। ये जी हमारा अंपायर भी अपना ही है, ब्लू शर्ट वाला। सिंगल हो गया जी, बाकी टीम हमारी उधर बैठी हुई है दरख्त के नीचे। फिलहाल तो हमारी बैटिंग बेहतरीन जा रही है, लेकिन अगर हमारे खिलाड़ी आउट ना हुए तो इंशाल्लाह टारगेट अच्छा मिल जाएगा। 20 ओवर का मैच है, 10 ओवर का, फिर तो मेरे को बैटिंग नहीं मिलेगी यार। ओहो सही है, बाल ठीक है, डाट जस रन तेरी। यस जी जी हमारे टीम के इफ्तिखार चाचा आ गए हैं। उम्र तक जी छक्को नहीं, बारिश शानी बॉलर है उनको, और हमारे इफ्तिखार चाचा जी ये अभी हमारे फ्रेश फ्रेश खिलाड़ी आउट होकर आए हैं। बहुत अफसरदा यार, छक्के मारने की कोशिश की है लेकिन बाल कैच हो गई, कोई बात नहीं जी, अच्छी बैटिंग की इन्होंने। अभी का छक्का देखो तुम लोग सिर्फ, जो चाचे ने चौका हो गया। ये हमारे बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं यार, हसनैन अली भी आउट हो गए हैं जी, अंपायरिंग कर रहे हैं। 121 रन है जी, 9.5 ओवर हो गए, बस 3 बॉलें रह गई, 3 आउट है हमारे, हमें बैटिंग का मौका ही नहीं दिया यार। ये जी आखिरी 3 बॉलें रहती हैं, छक्का देखो अभी इसमें से एक। छोटे भाई के पास जियो चाचे ना छक्का, बस एक छक्का रह गया 50 से। हाँ जी एक रह गया अला तो सा लाओ, एक चक्का लाओ, एक चक्कर रह गया शाबाश 50 होने में। ओहो
कितने बॉल रहेगी? ओवर मुक गया 33 रन। इन खत्म इनिंग खत्म होगी हाँ। और कितने टारगेट है? 133 का 10 ओवर चाहिए। चलो जी 133 का टारगेट दे दिया उन्हें 10 ओवरों में, सिर्फ 3 विकेट गिरी है हमारी। अभी हम लोगों ने खुद बैटिंग नहीं की यार, क्योंकि बैटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे खिलाड़ी नहीं आउट हो रहे थे, उनमें इतने दम नहीं थे कि हम सारों को आउट करें। ये उनकी टीम है, तो भाई पिछले मैच में 133 के टारगेट दिया और 70 पे सारी टीम आउट कर दी। तो अभी उसके बाद टॉस हुआ, दोबारा हम टॉस जीते हैं। अभी हमारे खिलाड़ी आए हैं, दो खिलाड़ी हमारी बैटिंग पर आ गए हैं, ये हमजा हाफिज साहब और जी हमारे दूसरे हमजा ब्लू शर्ट वाले, ये दोनों दोबारा से ओपनर आ गए हैं। असनैन अली अंपायरिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में ना ओवर मिला ना बैटिंग मिली है यार, बस ऐसी खप हुई है। इस मैच में खेलेंगे। हमजा किया जी कैच, लो गया। इसके वन डाउन, हसनैन अली ऑन बैटिंग। क्यों अली अपना बैट लेकर आना, अला अला हिटिंग करो, कोई बात नहीं आउट हो गया तो मैं आता हूँ। नो बॉल, नो गुड हो गया हम तो चौका दे रहा ओवर 110 बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हमारी खिलाड़ी यार, सारों को बैटिंग की पड़ी है जी। हमारे चाचा 2 फुट आगे बैठ गए हमसे कि मैं पहले आऊंगा बैटिंग पे। ये बैटिंग लालची है, बैटिंग लालची है और करता कुछ नहीं, वाले मिस करता है। ले चक्का, लाइव वीडियो चल रही है। हमजा रन कितने बाले? छह ओवर 2 बाले 118 रन। अली छक्का है तेरा एक, क्या हो इतना काम कोई नहीं। डबल 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 ओ अली आउट हो गए, बेहतरीन बॉल किया यार, जबरदस्त बॉल अली, वेल बैटिंग भाई, वेरी गुड वेरी गुड। कोई नहीं है, जब पीछे बंदे बाउंड है, अभी हम बैठे हैं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं करनी है, साथ बैटिंग नहीं जा 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 यार साहब रुको, हां चल चल कराओ, ठीक है थोड़ी बॉल होगी जी। नो बॉल, लगे लगे कद में लगे। अरे यार दूसरे मैच में बैटिंग मिली लेकिन सिर्फ एक बॉल खेलने नसीब में था यार, वो इतना तेज बॉल करा रहे, मतलब बॉल नजर भी नहीं आया और विकेट गिरी पड़ी थी। अभी फील्डिंग का टाइम आ गया हमारा, फील्डिंग करते हैं जाके, मस्त हो गए। फील्डिंग के बाद मिलते हैं, फील्डिंग के वक्त में मोबाइल जमा करा रहा हूँ इधर, बाद में मिलता हूँ मैं। यार कमीशन वालों से दोनों मैच जीत जाने के बाद घर जाते हुए मुझे याद आया कि चिकन शॉप से चिकन भी तो लेनी है ना, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और चिकन शॉप से चिकन लेते हैं, चिकन ले लेते हैं या फिर चलते हैं घर को। यहाँ पर अंकल मुझसे पूछते हैं कि बॉडी छोटी करनी है कि बड़ी। नॉर्मल कर दें, जो नॉर्मल घर की यूज की होती है। तो
तो यार दिन को मैच से फारिग होके अभी दोस्त के मैसेज आया कि मुझे इस तरह मूंगफलियां चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं पता कर लेता हूँ मिलती हैं। तो अभी एक लड़के को मैंने कहा था दिन को ही, मैंने उसको कॉल की थी कि यार आओ मूंगफलियों को पता करते हैं, वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ईशा की अजाने हो रही है, अभी तक वो आया नहीं, उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आया तो फिर हम मूंगफलियां देखने चलते हैं। यार ये वो मुलजिम है जिसकी वजह से मैं इतना देर हूँ, और कहते मेरी वीडियो नहीं बनानी, इसको मैं कब से कह रहा हूँ कि आज आज मूंगफलियां देखने चलती, मैं इधर हूँ मैं उधर हूँ, कितने बहाने मार रहा है किधर से, तू सही बात बता मुझे। इनको वजन कराते हैं जैसे भी हो, फिर यहाँ से उठा लेते हैं। चल ना उठा ऊपर रख, क्यों जी किसका इंतजार कर रहे, उठा ना। वो क्यों रखेगा, तू उठा मैं खुद वजन कर लेता हूँ। चल अच्छा ये पकड़, मैं पकड़ता हूँ पीछे पकड़े क्यों, मैं रखना ही हूँ और वो रखे बखोट अपने तरीके से। जो भाई रेत और के लिए चार के लिए कांटा भाई, जिसके लिए मैंने मूंगफलियां दी ली है ना, और वो बंदा क्या मेरी वीडियो देख रहा है, तू देख लो मूंगफलियां लेना इतना आसान काम नहीं है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जनाब हम लेकर जा रहे हैं 17 किलो मूंगफली, जो कि गजब भी नहीं उठा सकते, लेकिन अभी मजबूरन उठानी पड़ रही है, अपनों के लिए करना पड़ता है यार। जी जी बिल्कुल है भाई, यत्न करना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो बस भाई ये सब कुछ साथ के व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लेकिन जाने से पहले चैनल को कंफर्म सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।